जनरल, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। गॉड ब्लेस यू, आप हमेशा अच्छे रहें। और गाइस, आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ ब्यूटीफुल गुलदस्ता डिजाइंस सेकंड पार्ट। सो गाइस, बने रहे वीडियो में। और वीडियो डिजाइंस अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस, आज के सभी गुलदस्ता उससे कुछ और भी ज़्यादा डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल हैं। सो गाइस, बने रहे वीडियो में। और अगर आपको हमारे एक भी डिजाइन अच्छे लगते हैं तो हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको पसंद आएंगे, क्योंकि मैंने सभी अपनी कोशिश अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एक से अच्छे ही शेयर करने की कोशिश की है। तो गाइस, आप देखते रहें और फिर आप सेलेक्ट कीजिए कि आपको कौन कौन से अच्छे लगे, क्योंकि सभी गुलदस्ता बहुत ही अच्छे हैं और काफ़ी अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस में हैं और काफ़ी अच्छे फ्लावर्स भी हैं। तो गाइस, इसमें क्या है कि अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग होता है। अभी गुलदस्ता फ्लावर्स तो बहुत टाइप के रहते हैं, लेकिन किसको क्या पसंद है तो उसके अकॉर्डिंग भाई मतलब हर इंसान सेलेक्ट करता है। तो ये गाइस, ये सभी मेरी चॉइस के हैं और मैंने काफ़ी हद तक सभी के चॉइस के अकॉर्डिंग ही शेयर किए हैं, कि मुझे यही लग रहा था कि शायद सभी को पसंद आएंगे और बहुत अच्छे रहते हैं घर को सजावट के लिए फॉर होम डेकोरेशंस। तो गाइस, देखते रहें कंटिन्यू। तो देखिए गाइस, इसको मैंने ऑरेंज प्लस ग्रीन कलर कॉम्बिनेशंस में दिया है, जो कि काफ़ी गुड लुकिंग में है। और इसको मैंने पिंक विद पैरेट ग्रीन कलर में सेलेक्ट किया है, जो कि ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल लुक में है। और गाइस, इसको मैंने रेड प्लस ग्रीन डार्क ग्रीन कलर में कॉम्बिनेशंस इसका चूज किया था, जो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा ट्रेंड में चलता है रेड प्लस ग्रीन कलर। लेकिन ग्रीन कलर भी काफ़ी लुक में रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लुक में रहते हैं। तो देखिए, अभी कलर कॉम्बिनेशंस का क्या है कि अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग है। ये भी ग्रीन कलर है, लेकिन ये थोड़ा मीडियम में है ग्रीन कलर। और इसमें मैंने ट्रिपल कलर्स को और शेयर किया है, जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। येलो प्लस ऑरेंज लुक में है एंड ग्रीन में, और ये पिंक विद येलो प्लस ग्रीन कलर है, लेकिन ये पैरेट ग्रीन कलर में रहेगा। और ये डार्क प्लस वाइट एंड रेड कलर में ही इसका जो मैंने सिलेक्शन किया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था ये गुलदस्ता, बहुत अच्छा रियल में लग रहा था। और पिक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और ये जो पिक्चर्स एंड रियल में थोड़ा थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट होता है, क्योंकि पिक्चर्स में लेने से क्या होता है कि कैमरा अभी किस फ़ोन का कैसा होता है तो उसके अकॉर्डिंग मतलब पिक आती है उसकी। और ओरिजिनल में क्या होता है कि ओरिजिनल में जो कलर उसमें दिया गया है वही कलर दिखता है। तो ये ओरिजिनल में बहुत ही प्यारे ब्यूटीफुल एंड एक से एक बढ़कर लुकिंग में लग रहे हैं सभी। तो ये गाइस, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि बहुत अच्छे प्लेस से मैंने इनको सेलेक्ट किया है, बहुत अच्छी मतलब वहाँ डेकोरेशन की चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने सभी पिक में ही बहुत अच्छे अच्छे मुझे अच्छे लग रहे थे, जो भी मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग अच्छे लगे तो मैंने सभी को शेयर किया है। और ये काफ़ी अच्छे लगेंगे, आप किसी भी कलर में आप इसको रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके वॉल्स का कलर लाइट पिंक बेबी पिंक कलर में है, जैसे कि लाइट पिंक को हम बेबी पिंक कलर में बोलते हैं और इसको भी हम पिंक कलर ही बोलते हैं, लेकिन इसको कहते हैं कि डिफरेंट सा है, ये डार्क नहीं है और वैसा है। तो ये वाला पिंक कलर अलग होता है, और एक पिंक कलर होता है जो रानी पिंक कलर होता है, और एक लाइट पिंक कलर होता है, और एक बेबी पिंक कलर होता है, और एक थोड़ा सा और डार्क होता है बेबी पिंक में। तो पिंक कलर भी बहुत टाइप के रहते हैं, और ऑरेंज कलर भी कई टाइप के रहते हैं। तो इसमें ये ऑरेंज है, लेकिन इसका थोड़ा सा मतलब ना पूरी तरह से ऑरेंज नहीं है, थोड़ा सा उसमें कलर मिलाया होगा, मैच है उसमें। तो इसके अकॉर्डिंग सभी डिफरेंट। और ये वाला है, इसको तो मैंने बताया ही है कि ये काफ़ी गुड लुकिंग में लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है रियल में।
और इसको मतलब डबल कलर में ही सिलेक्ट किया था। इसके फ्लावर काफ़ी अच्छे हैं, तो गाइस हम चाहें तो इनको हम बना भी सकते हैं। इनका भी मैंने कोर्स किया था और काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अगर इसका मटेरियल अगर हमारे पास होता है तो हम इसको बना भी सकते हैं सभी फ्लावर्स को, क्योंकि जो हमने कोर्स किया था इसका तो हमें काफ़ी अच्छे से सिखाया गया था, तो उसके लिए इसका मटेरियल होना ज़रूरी है और मटेरियल हमारे इस एरिया में तो मिलता भी नहीं है। तो इसकी वजह से मैंने आपको मतलब ना शेयर किए हैं जो कि रेडीमेड गुलदस्ता इसके पिक हैं और काफ़ी अच्छे लगेंगे। अगर आपको इस टाइप में सिलेक्शन करनी आएगी तो बहुत अच्छा आप डेकोरेट कर सकते हैं घर को, और हम इनको मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं सभी फ्लावर्स को, लेकिन इसके लिए इसका मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है जो कि हमारे इस एरिया में नहीं मिलता है। अगर मिलता होता तो मैं आपको बना के भी दिखा सकती थी कि मतलब उसके लिए स्टिक्स आते हैं और एक ग्रीन ये होती है इसकी टैप होती है ग्रीन कलर की, और इसके जो लीफ रहते हैं वो भी प्लास्टिक के मिल जाते हैं, और इसके जो बरकंडी रहती है ना मतलब उसको कटिंग करके तरह तरह के जो कलर्स रहते हैं बरकंडी में, तो उसी में ही मतलब हम कट करते हैं, और फिर कट करने के बाद हम कैसे फ्लावर बनाते हैं ये तो हम सिर्फ आपको तभी बता सकते हैं जब हम आपको दिखाएं वीडियो में बनाते हुए। तो उसके लिए मटेरियल ही नहीं है ना, तो इसकी वजह से मैंने फिर शेयर नहीं कर पाया अभी तक एक भी वीडियो उस हिसाब का मतलब ना मैन्युफैक्चर करते हुए दिखा के, वरना मुझे बहुत अच्छे से गुलदस्ता बनाना आता है और मैंने बहुत सारे गुलदस्ते बनाए भी थे उस टाइम पर जब हमने कोर्स किया था। तो उस टाइम पे तो मतलब जब बनवाते थे वो सिखाते थे तो फिर जो हम मटेरियल लेते थे अपना तो वो तो हमारा वेस्ट ही चला जाता अगर हम अपने पास ना रखते। तो उस टाइम पे मतलब जो भी उन्होंने सिखाया था तो उस टाइम पे हमने बहुत सारे गुलदस्ते बनाए थे तरह तरह के, क्योंकि कलर्स की बरकंडी आती है ना उससे, और जो स्टिक्स रहते हैं ग्रीन कलर उसमें मतलब एक टैप सी आती है ना ग्रीन कलर की, तो वो थोड़ी सी जैसे कि सेलो टैप रहती है वैसी नहीं होती है और थोड़ी सी डिफरेंट लुक में रहती है, जिससे कि जो ग्रीन कलर की जो स्टिक्स पर लगाई गई है ना तो ये सभी वही टैप रहती है ना, तो उसमें टैप्स में भी आते हैं दो तीन कलर, जैसे कि पैरेट ग्रीन कलर आता है, और लीफ में भी मतलब जो पत्तियां रहती हैं ना ये भी कलर कलर की रहती हैं, डार्क कलर भी रहता है इसमें और पैरेट ग्रीन भी रहता है, और काफ़ी मतलब ना लुक में और भी थोड़ी पिंक कलर की रहती हैं और भी लुक की रहती हैं, लेकिन हमने तो मैक्सिमम ज़्यादातर ग्रीन कलर ही परचेज किया था, और रेड कलर में जैसे कि रोज़ फ्लावर बनाते थे और भी काफ़ी फ्लावर्स थे जो कि उन्होंने हमें काफ़ी हद तक अच्छे से बताया था, और उसकी जो कटिंग वगैरह करनी पड़ती है कटिंग वगैरह करने के बाद उसके जो बनाते हैं कली कली सी बनाते हैं उसके बाद उसको हम जॉइंट करते हैं, और जॉइंट करने के बाद हम पूरी तरह से उसे रेडी करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास मटेरियल नहीं है ना, नहीं तो मेरा मन बहुत था कि हम दिखा भी सकते हैं ये सारे गुलदस्ते हम अपने हाथ से भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में कभी भी टाइम वेस्ट नहीं किया, ये मेरी सबसे बड़ी खासियत है। तो कुछ लोग हैं ना जो कि मतलब ना घटिया सोच के लोग हैं, वो हमेशा ही छोटी सोच के लोग हैं जो हमेशा उल्टा ही सोचते हैं कि मतलब हम अपने घर में रहते हैं हम बाहर नहीं घूमने जाते हैं, लोफर आवारा लोगों की तरह नहीं रहते हैं, तो उनको हमसे बहुत दिक्कत है, लेकिन उनको नहीं पता है कि हम अपने रब के हुक्म के मुताबिक बिल्कुल सही चलते हैं, कि अल्लाह कहता है कि कभी अपना टाइम ज़ाया ना करो, मोस्टली तो नमाज कुरान में और इबादत में लगाओ, और बाकी का बचा समय तो उसमें अपने जो भी दुनियावी अच्छे आमाल है वो सीखने चाहिए, और हमेशा टाइम अपना कहते हैं कि अच्छे कामों में व्यतीत करना चाहिए ना कि फालतू के कामों में। तो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी फालतू के कामों में टाइम अपना बिल्कुल भी नहीं बर्बाद किया है। मैं अभी घर पर जैसे कि अगर मैं जॉब करूँ तो जॉब में तो उतना ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता है, तो हम तो ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन बिजनेस में फ़ायदा होता है, तो मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कुछ ना कुछ सीखने के लिए, जिससे कि मैं कभी इस लायक बनी तो मैं कोई ना कोई तो काम कर ही सकती हूँ। तो ये सभी मैंने डेकोरेशन को लेकर के ब्यूटिशियन को लेकर के डिजाइंस को लेकर के डिज़ाइनर
और स्टिचिंग को लेके जो भी मतलब एक लड़कियों के लिए मतलब कंफर्टेबल रहता है जो बना सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ सीखा। छोटे छोटे कोर्स किए, बड़े मतलब बड़ी बड़ी प्लेस पे जाने के लिए उतना सारा हमारा कहते ना कि अरेंजमेंट नहीं होता था, तो हमने अपनी मेहनत से अपनी दम पर कहते हैं कि छोटे छोटे कोर्सों से हमने बहुत बड़ी बड़ी जानकारी हासिल की है, जो एजुकेशन रहती है बहुत अच्छे से हासिल की है। तो गाइस मैं हमेशा यही चाहूँगी कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ज़रूरी नहीं होता है कि जो स्टडी हम यूनिवर्सिटी में करते हैं वो कॉलेज में नहीं हो सकती है या गवर्नमेंट में नहीं हो सकती है। बस बंदे को खुद में इंटरेस्ट होना चाहिए, हुनर होना चाहिए, खुद में दिल लगी कहते हैं ना, जुनून होना चाहिए। और मंजिल हमेशा कहते हैं कि जुनूनी को मिलती है, जिद्दी को नहीं मिलती है। और काफ़ी लोग होते हैं जिद से कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उनको कभी नहीं मिलती है वो मंजिल, मंजिल हमेशा जुनूनी को ही मिलती है। तो अपने अंदर एक जुनून होना चाहिए कि कोई चीज़ को हमें हासिल करना है तो कैसे करना है, तो उसके लिए देखो जी जान लगानी पड़ती है मेहनत करने में। तो मैंने हमेशा ऐसा ही किया। तो देखिएगा इससे मैं हमेशा फ्री टाइम में और कुछ ना कुछ सोचती रहती थी कि मैं क्या सीखूं। मैंने कभी अपना टाइम ज़ाया नहीं किया कभी भी। तो एक बार मतलब ऐसी कुछ लड़कियां बोली कि मतलब ऐसे गुलदस्ता के एक कैंप लगा हुआ है तो गुलदस्ता वहाँ सिखाते हैं बनाना बहुत अच्छे अच्छे से। तो हमने मतलब वहाँ ट्राई किया तो हमने भी देखा तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट आया। तो वहाँ पर मैंने फिर एडमिशन ले लिया और वहाँ से फिर मैंने कम से कम 2-3 महीने तक कोर्स लिया था इसका। तो मुझे बहुत पसंद है गुलदस्ता बनाना भी और देखना भी। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई होप कि आपको पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो।